हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप में। तो अगर हम सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी गैप अप ओपनिंग करती है 70,600 पे, और फिर वहां पर अपने दिन का हाई बनाकर 70,663 का फिर नीचे की साइड ही जाती रहती है और अपने दिन का लो बनाती है 70,457 का और क्लोजिंग देती है 70,475 पे, और अपने लो के पास से क्लोजिंग देती है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी क्योंकि मार्केट में 4 दिन की छुट्टियां थी, तो इसलिए मार्केट अपने नीचे ही क्लोज देती। अब अगर हम FII और DII की बात करें तो FII ने 2061 की सेलिंग करी थी और DII ने 1410 करोड़ की बाइंग करी थी। ओवरऑल में फिगर इतना बड़ा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टॉक अगर हम डिस्कस करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया था ब्रेकआउट 119 पे, हालांकि इसने डायरेक्ट कप बनाया और उसके बाद हैंडल नहीं बनाया अभी तक। अगर ये हैंडल बनाते हुए थोड़ा सा नीचे की साइड आता है, अगर हम कहें कि 1008 की से लेकर 1014 पर, तो वहाँ पर हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वहाँ पर शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, और हमें अब ब्रेकआउट के बाद इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अभी इसमें वॉल्यूम्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। देखो अब जब ये टूट रहा है तो वहाँ पर वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, और जब बढ़ा है तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं। बट अब जब ये ब्रेकआउट देगा तो वहाँ पर हमें वॉल्यूम्स अगर अच्छे मिले तो हमें इसका ब्रेकआउट कामयाब होता दिख सकता है। और इसी के साथ अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें, अनुपम रसायन। अनुपम रसायन अपने 50 मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कभी भी 875 के ऊपर जाता है तो वहाँ पर हमारे लिए ये शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग परस्पेक्टिव हम इसे यूज कर सकते हैं, और वहाँ पर हमारा SL होगा 2% का, और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव के लिए। अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम करें। और अगर हम अब निफ्टी की कल के लिए बात करें तो सबसे पहली बात तो मार्केट में जब इतनी छुट्टी आ जाती है ना तो बिना फालतू में ना मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है। SGX निफ्टी 17,300, 350, 400 के बीच चल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, अगर एक बात बताओ, अगर आपने कुछ कैरी कर भी रखा है तो क्या आप लोग कुछ कर सकते हो इन छुट्टियों में? नहीं कर सकते, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? और वैसे जो ये पैनिक हो रहा है तो होने दो। यहाँ पर ये मार्केट की आदत होती है कि जब इतनी सारी छुट्टी आ जाती है तो वहां पर पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है। और अगर बाय चांस अब अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती भी है तो वहां पर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंट्री ही होगी, और वहां पर मैं बाइंग करने की ही सोचूंगा क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी काफी नीचे जा चुका है और ये अब ओवरसोल्ड रीजन हो चुका है। तो वहां पर अब मैं शॉर्ट साइड पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर गैप डाउन मुझे मिलती है मार्केट तो वो मेरे लिए बेस्ट चांस होगा कि अब मैं यहाँ पर स्विंग के लिए प्ले कर सकूँ। अगर अब फिर भी हम अगर निफ्टी के सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट की, तो 70,300 की हमें इमीडिएट सपोर्ट मिलने वाली है जहाँ पर हमारी 50 की मूविंग एवरेज भी है। और इसी के साथ अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 70,450 से 500 की रेंज हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है। और अब जो मार्केट में ना क्या चल रहा था कि पिछले शॉर्ट वीक था तो वहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों से पहले ही बात कर दी थी कि शॉर्ट वीक में दिक्कत ज़्यादा आ सकती है, तो ज़्यादा काम करने की कोशिश मत कीजिए। अब वो शॉर्ट वीक का भी पैनिक खत्म हो चुका है। अब जहाँ पर एक बार मार्केट को ऊपर की रैली देनी तो चाहिए जैसा कि हमने प्रडिक्ट कर सकते हैं, बट बाकी एंड में मार्केट की ही मर्जी होती है, उसे जो करना है सो करे। बट जहाँ पर अब मैं स्विंग के लिए प्ले करूंगा, अगर मेरा SL हिट हुआ तो क्या मैं नहीं लूंगा? वो भी लूंगा। अगर SL हिट होता है तो वो भी लेना जरूरी है। अगर SL लेंगे तो हम एक मेजर लॉस से भी बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।